हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो पर। तो गाइस, आज मैं जा रहा हूँ गोवा फॉर नेशनल गेम। आज मैं जा रहा हूँ फ्लाइट में, जो कि है मेरा फ्लाइट है 5:10 पे, शाम के 5:10 पे मेरा फ्लाइट है, जो कि एलियंस एयरलाइन। मैंने ऑलरेडी कैब बुक कर दिया है, तो कैब आने के बाद निकलते हैं, हम चलते हैं भाई। तो गाइस, हमारा कैब आ चुका है, तो चलते हैं फटाफट। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. So guys, बहुत देर इंतजार करने के बाद फिलहाल एयरपोर्ट के साइड पहुंच ही गए हैं। चलते हैं अंदर के साइड, गाड़ी पार्किंग करके सामान नीचे करते हैं। We'll go through the wastelands, through the highways. गाइस, मैं फिलहाल पहुंच गया हूँ एयरपोर्ट के साइड। आप लोग देख लो पीछे, ये हमारा बेंगलुरु एयरपोर्ट का टर्मिनल 1। ये है डिपार्चर, यहाँ से हमें जाना है अंदर। ये है हमारा बैग, तो चलते हैं। तो गाइस, मैंने अपना बैगेज ड्रॉप कर दिया, सिक्योरिटी चेक भी हो गया मेरा, तो चलते हैं अंदर जाके बैठते हैं पहले। गाइस, मुझे मेरा बोर्डिंग पास मिल चुका है, अभी जाना पड़ेगा गेट नंबर 26। गेट नंबर 26 आगे है और इधर है गेट नंबर 12, तो चलते हैं। गेट नंबर 26, 12-43, नीचे नहीं जाना, ऊपर ही जाना है, ऊपर ही चलते हैं सीधा। तो गाइस, हम लोग ऊपर से सीधा नीचे आ गए। ऊपर से मैंने सोचा कि 26 नंबर गेट उधर होगा, तो इधर ऊपर से सीधा नीचे भेज दिया। इधर है 19, आगे देखते हैं। आगे लिखा है 22-27 आगे लिखा हुआ है। ये रहा बोर्डिंग गेट्स 22-27, तो हमें जाना है 26। आगे है, इधर है 21-22-23, कितना दूर जाना पड़ेगा, एकदम कोने में 26। फिलहाल इधर से एक स्पाइस जेट का बस जा रहा है, पता नहीं कहाँ का फ्लाइट होगा। तो गाइस, फाइनली हमें 26 नंबर गेट मिल गया है, जो कि लिखा है इधर गोवा एलियन फेयर। कोई नहीं आया, लग रहा है हम ही फर्स्ट है, खाली है पूरा। तो बैठते हैं बस। इधर लिखा हुआ आ रहा है एलियन फेयर गोवा 17:10। कार से बहुत बस जा रहा है, 27-26। वो रहा ऊपर लिखा हुआ है 17:10 एलियंस एयरलाइन, गेट नंबर 26 अब चेंज हो गया। तो गाइस, हमारे सामने से स्पाइस जेट की फ़्लाइट जा रही है। मैं स्पाइस जेट में भी फ्लाई किया हूँ, वो बहुत पहले की बात है, तब इनका सर्विस अच्छा था, लेकिन अब इसका सर्विस कैसा है पता नहीं। तो गाइस, बहुत देर इंतज़ार करने के बाद इधर एलियंस एयरलाइन का स्टाफ आए हैं, देखते हैं हमें कब तक अंदर ले जाते हैं।
गाइस, बहुत देर बस में आने के बाद फाइनली हमें हमारा फ्लाइट मिल गया, तो चलते हैं बाहर, पहले उतरते हैं। गाइज, ये फ़्लाइट बहुत बड़ा नहीं है, फ़्लाइट छोटा ही है, एकदम छोटा फ्लाइट जो होता है वो है। गाइज, ये वाला है टर्मिनल 2 और ये है हमारा टर्मिनल 1। ये फ्लाइट, सेम फ्लाइट एक पास में खड़ा है, ये शायद कोची जाएगा। सनसेट कितना अच्छा लग रहा है, चलते हैं हम अंदर, अंदर की साइड। एलियंस एयरलाइन। तो गाइस, मैं बैठ गया सीधा अंदर, सीट कुछ खास कंफर्टेबल नहीं है, इधर स्पेस बहुत कम है इस फ्लाइट में। तो ये है अंदर केबिन का व्यू, ये शीशा ब्लर है, बाहर का वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है इस पर। तो गाइस, फाइनली हम लोग गोवा पहुंच गए हैं, मैं फ़्लाइट में सो गया था इसलिए वीडियो ले नहीं पाया। तो गाइस, बस ने हमें ड्रॉप कर दिया है, इधर लिखा है ऊपर अराइवल्स, ये रहा हमारे पीछे बस खड़ी है। तो चलते हैं, पहले हमें अपना बैग भी कलेक्ट करना है, हमें बैग कलेक्ट करना है 2 नंबर पे। देखते हैं 2 नंबर कहाँ है, 2 नंबर, 2 नंबर, वो रहा 2 नंबर। तो गाइस, ये रहा 2 नंबर बेल्ट, लेकिन अभी तक बैग स्टार्ट ही नहीं हुआ ना। तो गाइस, ये रहा हमारा बैग आ रहा है। तो मुझे अपना बैग मिल गया, चलते हैं अभी बाहर की साइड। बाहर निकलते ही हमें ये बस मिला है, जो कि नेशनल गेम का बस है, लिखा हुआ है नेशनल गेम। चलते हैं बस में। तो गाइस, मैं फ़िलहाल पहुंच गया हूं अपने रूम, मैं बहुत थका हुआ हूं, बस में जर्नी करने के बाद सीधा रूम पहुंच गया। आप लोगों को रूम दिखा देता हूं एक बार। तो ये है डबल बेड का रूम, जैसे मेरा फ़ोटो आ रहा है। इधर एक एसी लगा हुआ है, ये है मेरा लगेज। तो गाइस, वीडियो आज इधर ही एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कोई नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो गाइस, मिलते हैं।